경우를 들어요. 굿 모닝 굿단. এবং আমি তোমাকে ভালোবাসি। क्या जिंदल साहब, मतलब आप कभी हमारे फ्लो में फ्लोट नहीं कर सकते या? हमेशा बीट ही करते हैं। तुम्हारे पीछे तो मैं स्पेस तक फ्लोट करने को रेडी हूँ गुड्डन, पर तुम यार हो इतनी सुंदर कि मैं क्या करूँ, तुमसे डरना ना मतलब मुझसे ना हो पाएगा। हमारे लिए कर लेते थोड़ी देर के लिए, पर नहीं, आपको तो हमेशा महान बनना होता ना। कर तो रहा तुमसे प्यार, सोने के पहले, उठने के बाद। बड़े रोमांटिक हो रहे हैं सुबह सुबह। ठीक है, इसी बात को ना आपके लिए किस्सी। ये छोटी सी किस्सी से काम नहीं चलेगा भाई, मुझे चाहिए बड़ा वाला किस्सा, एकदम बड़ा वाला, जैसे तब किया था, याद है? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ओके। बाकी हस्बैंड्स की जो वाइफ्स है ना, वो उनको ब्रेकफास्ट इन बेड बना के देती है, तो मुझसे दूर हो ये तो नहीं कर सकती, पर यार कम से कम एक गुड मॉर्निंग किस तो बनता है ना। एक्चुअली क्या है ना, हमारी जो मॉर्निंग है ना पूरे 2 घंटे पहले हो गई थी। आए बड़े, उस दिन तो मैं बड़ा सुना रहा था आपको, आज बड़े इस चादर में पैर फैलाकर लेटे हुआ। चलिए जाइए, और यहाँ कोई किसी से नहीं मिलने वाली। चलो यार, देखो ना बाहर इतनी बारिश हो रही है, पानी की बूंद बूंद में रोमांस भरा हुआ, और यहाँ तुम मेरे रोमांस का जो बबल है ना उसको बर्स्ट करने पर तुली हुई हो कसम से। सुनो ना, एक काम करो ना, तुम यहाँ जाओ ना इस ब्लैंकेट में मेरे साथ। I swear it's gonna be very cozy. यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है ना जिंदल साहब, देखिए बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है यहाँ, तो हम कैसे कोजी हो जाए? अब आप तो कोजी में पूरे मौजी हो ही रहे हैं, तो आप कीजिए अपनी बारिश में। लेकिन एक बात बताएं आपको, आएंगे तो हम भी, क्योंकि हमने ना आपको बहुत सारा मिस कर रहा है। Isn't this more comfortable? हम दोबारा एक साथ कब होंगे? ये कोई जोक मारा है क्या हमने? हंस रहे हैं? नहीं 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 नहीं, सॉरी इट्स नॉट अ जोक, बस कुछ याद आ गया था। क्या याद आया हमें बताइए। इट्स जस्ट दैट कि ये सब कितना आयरोनिक है ना, कि एक टाइम पर हम एक साथ सोते तक नहीं थे, और जब सोना शुरू किया तो जो फर्स्ट नाइट हमारे बीच में जो थी वो सो ऑकवर्ड। सो ऑकवर्ड। और जब सुबह उठे थे तो आप तो कैसे फट से अपनी शर्ट पैंट चढ़ाकर चले गए थे, और हम पूरे कितने पापड़ बेलने पड़े हमें, तो फट से तैयार हुए, सुबह जल्दी उठे, साड़ी पहनी, कितना कुछ करा हमने, बहुत प्रेशर था भाई सच में। तो भाई किसी ने जबरदस्ती की है क्या आपसे कि आपको साड़ी ही पहननी है? जबरदस्ती की बात थोड़ी है, लेकिन एक रिस्पेक्ट भी तो होती है ना। देखिए ना, माँ जी ने कितनी प्यार से हमें वो साड़ी ला के दी थी, कि उनकी बहू ऐसे साड़ी में आएगी, तो ऐसे क्या हम उनका दिल दुखा देते क्या? आपके लिए तो रेडी होते हैं रोज सुबह। नो 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 नो, ये तुम नहीं कह सकती, क्योंकि अगर तुम रोज सुबह सिर्फ मेरे लिए रेडी होती तो अपनी ये साड़ी और सलवार कमीज वाली लुक में नहीं, किसी हॉट एंड सेक्सी लुक में दिखती मुझे। मतलब अब आगे नहीं बढ़ने वाले हैं ना जिंदे साहब,
ये हॉट, सेडक्टिव, सेक्सी, यही सब शब्द है ना आपकी जिंदगी में? अपनी डिक्शनरी को ना थोड़ा थोड़ा सा अपडेट कीजिए। भाई तुम एक बार अपनी सेक्सी गर्ल लुक तो दिखा दो, अपनी डिक्शनरी में खुद अपने हाथों से अपडेट करके दिखाऊंगा, I promise you। मतलब वही अटकी है ना आपकी सुई? तो तुम भी तो अपनी जिद छोड़ने को रेडी नहीं हो। मैंने ना टीनेज गुड्डन वाली लुक देख ली, सास गुड्डन वाली लुक देख ली, बहू बेटी गुड्डन की हर लुक देख ली है मैंने। अब तो अपनी सेडक्टिव एंड पैशनेट साइड भी दिखा दो। अब ना एक काम कीजिए, बताए आप अपनी चाहते रहेंगे और जाके ना फ्रेश होते उतरिए इस बेड से, चलिए। हाँ गुड्डन, लेकिन भी फिर से ना तो सिर्फ फोन मत काट दिया करो यार तुम। ये यार, ये इसकी बार बार फोन काटने वाली आदत का ना कुछ करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता। यहां मैं प्यार का इजहार करने की शुरुआत करता ही हूं कि ये फोन काट के भाग जाती। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। तो क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि मतलब तुम बोलिए। I swear to God, Kutan, you're looking super hot। ऐसे हॉट तो हम अक्सर लगते रहते हैं ना, मतलब आपको याद है जब उस पार्टी में हमने गाउन पहना था तो कैसे मतलब नजरें नहीं हटी थी आपकी? जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस, खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी खड़ियां जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। सुजिंदर साहब, हम क्या कह रहे थे ना कि हॉट आप भी कुछ कम नहीं है, मतलब उस साल वो क्रिसमस की कोल कोल पार्टी में आप भी कुछ कम गहर नहीं ना रहे थे। अब लग रहा है पूरी तरह से शैतान। काले कपड़े पहनने का तो आपको वैसे भी शौक है ना, है ना, हमेशा ही पहनते, इसकी कमी ये हमने पूरी कर दी। सुनो ना यार, प्लीज अब तो अपना वो हॉट वाला अवतार दिखा दो, कब से बोल रहा हूँ प्लीज।
एक मिनट गुड्डन, ये क्या था यार? इससे पहले कि मैं कुछ देख पाता तुमने ये चीटिंग करी तुमने, ये क्या था गुड्डन? प्लीज ना। हाँ तो अभी है ना इतना ही टीजर देखने को मिलेगा, पूरी पिक्चर बाद में। नहीं 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 गुड्डन प्लीज ऐसा मत करो ना मेरे साथ, प्लीज मेरे लिए एक बार। ओके यही स्पीड पे, लेकिन एक बार और मैं एक बार देख लूंगा प्लीज। अच्छा ये सब छोड़िए ना, हमारे पास आपके लिए इससे बेटर सरप्राइज है, रेडी हैं आप? ओके एक मिनट ये क्या कर रही हो तुम? अरे शर्मा क्या रहे हैं आप? और वही तो कर रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। नहीं मतलब पर मैंने पर क्या पति नहीं है क्या हमारे? हाँ मैं हूँ, ऑफ कोर्स हूँ तुम्हारा पति, लेकिन तो फिर शर्माना बंद कीजिए। गुड्डन देखो, नहीं गुड्डन 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 आप हमें ड्रेस पहना दीजिए। पहनाएंगे ना? क्या जरूरत है खुली रहने दो, अच्छी लग रही। अच्छा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे नसीब में तुम जैसी हॉट सेक्सी एंड स्टनिंग वाइफ होगी। आई विश मैं तुम्हारे पास होता, मैं बिना एक पल वेस्ट किए तुम्हें कस के अपनी बाहों में जकड़ के एक आई वुड हैव किस्ड यू। आपको पता है जिंदल साहब, हमें ना आज भी आता है हमारी फर्स्ट किस, ये सब करंट सा दौड़ गया था ना पूरे शरीर में से, अगर अभी भी सोचते हैं ना तो काम से जाते हैं। किस नहीं करेंगे आप हमें, चकर लीजिए हमें, खींच लीजिए ना अपने पास, कर दीजिए किस। I am all yours जिंदल सा। You know, इतनी दूर रहकर भी इतना रोमांस इतना प्यार किया जा सकता है कभी सोचा नहीं था मैंने। I love you बेटा। I miss you a lot. I love you too, Chandal sir. हर पल आपको मिस करते हैं, बस अब जल्दी से हमें अपने पास बुला लीजिए। जल्द मिलेगी गुड्डन। Watch. Because even I can't wait. I can't. ऐसे हम इस बॉटल को घुमाएंगे और रूल ये होगा कि जिसके पास इसकी नेक आएगी ना जिसकी तरफ उसकी टर्न होगी। ऑलराइट लेट्स प्ले। 1 2 3 गो। सो ट्रुथ और डेयर। तुम्हारा डेयर ये है कि तुम अभी इसी वक्त चिल्ला के मतलब इतनी जोर से कि तुम्हारी पूरी सोसाइटी सुने बोलोगी आई लव यू चिंदल साहब। आई लव यू चिंदल साहब। छोटा सा डेयर है आपका।